हेलो सेवन स्टैंडर्ड विद अवर लास्ट वीडियो ऑफ सोशल स्टडीज वी हैड फिनिश्ड अवर ज्योग्राफी लेसन राइट एंड आई इवन गेव यू क्वेश्चन आंसर्स आल्सो सो दैट यू कैन राइट इट अबाउट इट एंड आई होप यू पीपल हैव फिनिश्ड दोस क्वेश्चन आंसर्स एज टू डेज कंटिन्यूसली यू पीपल गॉट PDF रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन आंसर्स ओनली एंड टू राइट इन नोटबुक एंड इवन टू ड्रॉ दैट रॉक साइकिल एक्सेट्रा राइट So I hope you people have finished that. And today let's begin with our next lesson, that is of civics, chapter number 2. Chapter number 1 we had already finished about Kanta's story about inequality seen by Ansaris and with Dalits, right? We had seen that in first lesson of civics. So today we will work with second lesson, role of the government in health. See, लोगों की health के लिए government का क्या role है वो जानना है. Okay, सबसे पहले तो we have to clear what is health and then we have to clear the topic health care in India. See, you all people might have heard about one quote or one thought, that is health is wealth. सी अगर आप लोगों के बारे में भी स्टूडेंट्स के बारे में भी अगर बात करें आपकी अगर तबीयत अच्छी रहेगी तभी आप पढ़ पाओगे. यस, आपका एक सिंपल हेडेक भी होता होगा तो भी आप पढ़ नहीं पाओगे. यू पीपल विल फील सो लेजी एंड डोजी लाइक नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एट ऑल. बट इफ़ यू पीपल विल बी हेल्दी एंड इफ़ यू पीपल विल be energetic, then only you will start learning or reading or writing or any activity, right? कहने का मतलब क्या, among everything the first step is take care of your health, understood? क्योंकि आपकी तबीयत ठीक होगी तभी आप कुछ भी काम कर सकोगे. talk about even playing or watching TV also. क्योंकि अगर हम बीमार होंगे हमें टीवी देखना भी अच्छा नहीं लगता. अंडरस्टूड? सो कोई भी एक्टिविटी करनी है उसके लिए हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, राइट? सो टू कीप अवर हेल्थ हेल्दी वी शुड गो ऑन ईटिंग हेल्दी फूड, नो जंक फूड. अंडरस्टूड? दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जितना हेल्दी फूड हम खाएंगे, यू नो देयर आर many children which not get proper nutrition by whatever they are eating. You might have seen so many such children. कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत fat हो जाते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत thin रहते हैं, right? कहीं ना कहीं they face problem with, कहीं ना कहीं it is problem with eating habits only. Understood? क्योंकि हर एक एज के लिए एक हाइट एंड एक वेट टू थिंग्स आर मेजर्ड. ओके, से लाइक आप 10 इयर्स के हो तो आपका कितना वेट होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए. इफ़ यू आर ऑफ 20 इयर्स तो आप 20 इयर्स में कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितना आपका वेट होना चाहिए. क्योंकि उससे कम वेट होगा मतलब वी आर नॉट हेल्दी और उससे ज़्यादा वेट होगा मतलब वी आर ओवर हेल्दी. ओके, हर एक चीज़ अपनी लिमिट में हो तो अच्छा रहता है. सेम थिंग आपकी हेल्थ के लिए, अगर आपको खाना है और इट इज़ लाइक ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो वी शुड हैव इन लिमिट ओनली. क्योंकि अगर लिमिट से ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे इट विल हार्म टू आवर हेल्थ ओनली. येस और नो, एग्री और नॉट एग्री? आई होप यू ऑल विल डेफिनेटली एग्री विद दिस पॉइंट, राइट? सो दिस वॉज माई पर्सनल व्यूज रिगार्डिंग whatever work you want to do, first thing comes about your health. If you are healthy, you can do work. If you are not healthy, you cannot do any easy work also. Understood? Okay. Let us see what our this lesson tells us. From page number 18 it will start. Role of government in the health. In a democracy, people expect the government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, etc., or the development of roads,
electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meaning and problems related to health. Look at the subheading of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? See, India is a democratic country. India में constitution बनाया गया है जिसने हमें 6 fundamental rights दी हैं. Okay, right to speak, right to vote, right to right to education and all. बहुत सारी rights भी हमें मिली हैं जिसके according हम अपनी duties करते हैं, right? और अगर हम health की भी बात करें तो immediately भी अपने घर में भी अगर कोई भी बात होती हो, okay, तो immediately government क्या कर रही है point उठाना हो जाता है कि what सरकार is doing, गवर्नमेंट क्या कर रही है, या गवर्नमेंट ने ऐसा किया, गवर्नमेंट ने वैसा किया, राइट? राइट नाउ कोरोना वायरस की वजह से जो भी ये वी कैन टेल जो भी ये न्यूज़ आ रही है, ओके, गवर्नमेंट इज टेकिंग सो मैनी प्रोटेक्टिव स्टेप्स, राइट? लॉकडाउन वगैरह भी किया. नाउ इफ पब्लिक इज ओनली नॉट अंडरस्टैंडिंग और पब्लिक इज ओनली नॉट लिसनिंग, सो व्हाट गवर्नमेंट कैन डू इन दिस, राइट? गवर्नमेंट अपना एक्टिविटीज अपना वर्क कर रहा है, ओके, बट देर इज इंडिविजुअल ड्यूटी ऑल्सो, हमारी भी ड्यूटी बनती है. अगर हम भी अच्छे से वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो इजीली हम और गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर इस बीमारी को गिव अप कर सकते हैं, राइट? सो देट इज रिगार्डिंग करंट सिचुएशन. लेकिन कई बार गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही काम करती है, लाइक इन फर्स्ट लेसन वी रेड अबाउट इक्वलिटी इन इंटीरियर ऑफ सोसाइटी. मेंटलिटी में जो इनइक्वलिटी है वो लोगों में है, गवर्नमेंट की नज़र में सब इक्वल है, ओके? उसी तरह से गवर्नमेंट ने लोगों की हेल्थ के लिए काफ़ी काफ़ी स्टेप्स लिए हैं. अब कौन से स्टेप्स लिए हैं दैट वी हैव टू थिंक अबाउट, ओके? सो लेट अस सी ऑन पेज नंबर 19 व्हाट इट इज रिटन. What is health? We can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. But health isn't only about disease. You may have associated only some of the situations in the above some of the above situations in the above college with health. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped condition, they will be prone to illness. See, मैंने आपको food के बारे में बताया कि आप healthy food खाओ, आप healthy रहोगे. That is the one thing. But there are so many other things also जो हमें healthy रखने के लिए helpful है. For example, if daily our parents, our mom, our maids specially keeps our house clean, right? अब house clean है, that means we are getting healthy environment, neat and clean environment. Okay, just imagine if your surrounding is not clean. Okay, if you have visited any slum area, वहाँ पर अगर आप जाकर देखो जहाँ पर रहने की condition ही नहीं है, like dirty water is flowing at one side garbage is stinking badly. By these things also we cannot get a healthy environment to lead, जिसकी वजह से बच्चे बड़े बूढ़े सब बीमार पड़ते ही हैं, okay? First lesson में आपने यही देखा कि कांता's daughter was suffering from fever and Kanta when she passed to her home, तो उसने यही देखा कि बच्चे बीमार होंगे ही क्योंकि इतनी गंदगी है, इतना slum area, इतना मतलब अनहाइजेनिक सिस्टम है, तो ऑब्वियसली बीमारी तो फैलेगी ही, राइट? द मेन पॉइंट इज
our environment also should be neat and clean. Okay, एकदम साफ सुथरा हम अपने घर को रखते हैं तो हमें अपना सराउंडिंग भी साफ सुथरा रखना चाहिए. डेली वी पीपल आर वेयरिंग नीट एंड क्लीन क्लोथ्स टू कीप अवर बॉडी क्लीन. सेम थिंग वी शुड कीप एयर ऑल्सो क्लीन सो दैट विच एयर वी आर ब्रीदिंग. अंडरस्टूड? दैट ऑल्सो हेल्प्स अस टू कीप अवर सेल्फ हेल्दी. ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वट एवर वी मे बी डूइंग. इट इजंट हेल्दी टू बी डल इनएक्टिव एंशियस और सेक्रेड scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our lives are a part of health. See, it is not that we should look very, like we should be of very good looking, या फिर we should be like very much ब्यूटीफुल लुकिंग गुड लुकिंग एंड ऑल. लेकिन अगर हम हेल्दी हैं, अगर हम एक्टिव हैं, अगर हम हेल्दी हैं तो ही हम अपना वर्क रेगुलरली कर पाएंगे. आइदर टॉक अबाउट स्कूल और टॉक अबाउट होम. अंडरस्टूड? बट इफ वी आर नॉट हेल्दी तो गुड लुकिंग विल ऑल्सो बी नॉट देयर. अंडरस्टूड? इट्स नॉट दैट के फेयर पीपल आर हेल्दी और ब्लैक पीपल आर हेल्दी. नो, everyone can be healthy. बस only फर्क क्या है, one should have healthy habits. Understood? जितनी healthy habits रखोगे उतना. दूसरा, mental strain, that is tension. Okay, see, tension usually आजकल के बच्चों को tension होती ही नहीं है क्योंकि parents इतना नहीं डांटते बच्चों को, right? लेकिन tension लेनी भी नहीं चाहिए. Okay, क्योंकि tension से क्या होता है, अगर माइंड बिकम वेरी अपसेट एंड वी कैन नॉट कंसनट्रेट ऑन एनी थिंग. कई बार होता है कि टेंशन में हम खाना नहीं खा पाते भले भूख लगी हो. कई लोगों को होता है कि टेंशन में ज़्यादा खा जाते हैं. ओके, सो वो जो मेंटल स्ट्रेन है वो भी रिलैक्स रहना चाहिए. मेंटली भी जो पर्सन है दे शुड बी रिलैक्स्ड. अंडरस्टूड? ओके, so just this much only we will go about what is health. Healthcare in India, we will continue with our next video. Let us go slowly only with all these topics and all. So please read these two pages. I will do PDF for you all of for reading, and even you can observe these pages also, these pictures also. Okay, see, कोई भी है अगर construction works है, building के लिए कोई काम कर रहे हैं, ब्रिक्स उठा रहे हैं, सीमेंट उठा रहे हैं, उनको कभी भी खाते देखना, दे ऑलवेज ईट हेल्दी फूड. दे नेवर गो विद जंक फूड और मार्केट फूड. नो, दे कुक देयर फूड ऑन देयर ओन एंड दे ईट हेल्दी फूड. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि थोड़ी देर खाने खाकर रेस्ट करना है और उसके बाद फिर हमें इतना हैवी काम करना है. अंडरस्टूड? यू पीपल एज स्टूडेंट्स, यू पीपल ऑल्सो हैव so much hard work to do. Okay, right from morning till evening going on with books and books and books only. Matlab mentally you people should be very calm, or you must be very calm and you must be under control. To under control aap tabhi reh paoge jab aap healthy honge, health wise agar aapko koi problem na ho. Understood? So please take care of your health. And whatever precautions to be taken as your parents guide you, just go on taking those precautions as well. Okay? We'll continue with our next video. Thank you.